हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं गौरव और 2012 में टाइटैनिक के हादसे के 100th एनिवर्सरी पर ऑस्ट्रेलियन बिलियनर क्लाइव पामर ने दुनिया भर में ये ऐलान किया कि वो टाइटैनिक 2.0 बनाने वाला है, जो दिखने में हूबहू पुराने टाइटैनिक जैसे ही होगी और यहां तक कि उसे बनाने वाली कंपनी का नाम भी ब्लू स्टार लाइन होगा, क्योंकि पुरानी टाइटैनिक की कंपनी का नाम व्हाइट स्टार लाइन था। मगर अब सवाल ये आता है कि इसका जब रंग रूप सब टाइटैनिक जैसा होगा तो क्या इसका नसीब भी पुराने टाइटैनिक जैसा ही हो सकता है, जिसमें 1500 से भी ज्यादा लोगों ने अपनी जानें गंवाई थी। और इतिहास अपने आप को एक बार फिर से ना दोहराए, क्या इस बात का ख्याल रखते हुए उन्होंने नए टाइटैनिक में कोई चेंजेस भी किए हैं। वेल, इससे पहले कि आप इन सवालों का जवाब ढूंढने सवार हो पड़ो, मैं आपको एक और एक राज की बात बताना चाहता हूँ। टाइटैनिक किसी आइसबर्ग से टकराने के कारण नहीं डूबा था, बल्कि एक भयानक विस्फोट के कारण तबाह हुआ था। पर किसने रचा था ऐसा भद्दा षड्यंत्र जिसने इतने सारे बेगुनाहों की जान ले ली थी? चलिए जानते हैं इन सारे सवालों के जवाब इन आवर टुडेस वीडियो टाइटल्ड न्यू अनसिंकेबल शिप टाइटैनिक 2.0। अब फ्रेंड्स, पता है आपको किन लोगों की वजह से आज का ये टॉपिक पॉसिबल हो पाया? वेल, हमारे सब्सक्राइबर्स में से अपूर्वा साहू, अभीर गुप्ता, आरएन पांडे और वैभव वर्मा, इन्होंने ये टॉपिक रेकमेंड किया और इसीलिए हमने इस पे बनाया। थैंक्स अ लॉट। और आप भी हमें यूनिक टॉपिक्स को रेकमेंड कर सकते हो। अगर आपके पास कोई क्रिएटिव यूनिक टॉपिक है तो नीचे लिंक पर क्लिक करना और हमें यूनिक सजेशंस देना। अगर आपका टॉपिक पसंद आया तो आपको गारंटीड एक शाउट आउट मिलेगा हमारी तरफ से एज अ टोकन ऑफ थैंक्स। नाउ लेट्स हॉप इनटू आवर वीडियो। सबसे पहले तो ये जानते हैं कि आखिर ये कौन सी कंपनी है जो टाइटैनिक के काले इतिहास को फिर से एक बार दोहराना चाहती है। वेल, 2012 में जब टाइटैनिक के हादसे को 100 साल पूरे हुए थे, तब ऑस्ट्रेलियन बिलियनर क्लाइव पामर ने अनाउंस किया था कि वो टाइटैनिक 2.0 बनाएंगे, जो दिखेगा और फील करेगा बिल्कुल पुराने टाइटैनिक जैसा ही, लेकिन उसे बनाने में नई तकनीक यूज की जाएगी। और उस वक्त क्लाइव पामर की कंपनी ब्लू स्टार लाइन प्राइवेट लिमिटेड ने अनाउंस किया था कि 2016 में वो टाइटैनिक 2 को फिर एक बार समुद्र की लहरों पर सवार करवाएगी। लेकिन उस दौरान आर्थिक तंगी के कारण इस शुभ कार्यक्रम को पोस्टपोन करके नवंबर 2018 पे शिफ्ट कर दिया गया था। वहीं कुछ लोगों का ये भी कहना है कि टाइटैनिक 2.0 2022 तक दुनिया के सामने पेश होगी। अब वो 2022 में कब देखने मिलेगी, ये जानने से पहले हम ये तो देख लेते हैं कि पुराने टाइटैनिक और नए टाइटैनिक 2.0 के बीच फर्क क्या है। Well, सबसे बड़ा फर्क तो आता है नए और पुराने टाइटैनिक की लागत में, क्योंकि 1912 में जब पुराने टाइटैनिक को बनाया गया था तब उसकी कीमत थी $7.5 million, यानी लगभग 75 लाख रुपीस। वहीं अगर नए मॉडर्न टाइटैनिक 2.0 की बात करें तो उसे बनाने में अभी तक लगभग $500 million, यानी कि 36 अरब रुपए खर्च हो चुके हैं। और इसकी वजह साफ है आज की बढ़ती हुई महंगाई, जिसके धक्के आपने भी जरूर खाए होंगे, क्योंकि इंडिया में सेकेंड वेव के बाद इंडिया के 22.7 मिलियन लोगों की जॉब चली गई थी। पर अगर आप भी उन लोगों में से एक हो जो जॉब पाने के इंतजार में भटक रहे हो, तो मैं आपके लिए लेकर आया हूं अनअकैडमी का रीलेवल, जहां आपको सिर्फ और सिर्फ फ्री रीलेवल टेस्ट देना है और खुद की काबिलियत को सही करना है। और ऐसा करते ही आप हायरिंग कंपनीज के पीछे नहीं, क्रेड, मीशो, ग्रो और कू जैसी $1 बिलियन कंपनीज आपके पीछे जॉब लेकर आपको जॉब ऑफर करने के लिए भागेगी, वो भी 15 लाख जितनी सैलरी पैकेज के साथ। तो अगर आपको भी इस अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाना है जो 15 लाख तक के पैकेजेस ऑफर करती है, और इसके लिए आपको बस ऑनलाइन टेस्ट में 70% मार्क्स सिक्योर करना है और आपकी रीलेवल प्रोफाइल कंप्लीट करनी है, और इसके बाद आपको इंटरव्यू के लिए दर बदर फिरने की जरूरत नहीं, क्योंकि ये सारी बड़ी कंपनीज खुद आपके दरवाजे पर अपॉर्चुनिटीज की दस्तक लेकर दौड़ती भागती है, जैसे इन दोनों के पास आई थी और इन दोनों ने स्कोर किया मोर देन 70% स्कोर। हिप्टो कंपनी में एज अ बैकएंड इंजीनियर के रोल पे ज्वाइन किया और इन्हें मिल पाया पैकेज ऑफ अप टू 28.5 LPA। अब अगर आप भी अपने ड्रीम जॉब को बिना अनवांटेड जॉब्स की रेस में भागे इंटरव्यू पर इंटरव्यू दिए पाना चाहते हो तो रीलेवल आपके लिए बेस्ट सोल्यूशन है। इसकी लिंक मेरे वीडियो के नीचे दिए डिस्क्रिप्शन में है। मोरओवर, अगर आप बाय चांस इस टेस्ट में टॉप कर लो तो रीलेवल आपको इनाम के तौर पर मैकबुक या आईफोन जैसे गिफ्ट भी देता है। तो सोचना कैसा, अभी जाओ और रजिस्टर करो रीलेवल पर, वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। और अब कदम उठाते हैं टाइटैनिक की ओर। और जैसे कि मैं कह रहा था, टाइटैनिक की लागत बहुत ही बड़ी है, लेकिन
दोनों की बनावट में तो कुछ खास अंतर नहीं है, क्योंकि नया टाइटैनिक 13 फीट चौड़ा और पुराने वाले टाइटैनिक से सिर्फ 3 इंच लंबा है, और दोनों के स्पीड में भी कुछ ज्यादा फर्क नहीं है। जहां 1912 वाले टाइटैनिक की स्पीड 23 नॉट्स यानी कि 42 किलोमीटर पर आर थी, वहीं टाइटैनिक 2.0 में टॉप स्पीड 24 नॉट्स मतलब लगभग 44 किलोमीटर पर आर है। इसके अलावा अगर हम इन दोनों की कैपेसिटी की बात करें तो वो भी लगभग सेम ही है। नए टाइटैनिक 2.0 में 2400 पैसेंजर्स और 900 क्रू मेंबर्स की जगह है, और वहीं पुराने टाइटैनिक में भी लगभग सेम कैपेसिटी के साथ 3320 पैसेंजर्स यात्रा कर सकते हैं। अब चलो, कैपेसिटी तक तो बात ठीक थी, बट आपको जान के हैरानी होगी कि उसके अंदर का पूरा इंटीरियर भी डिट्टो का डिट्टो पुराने टाइटैनिक जैसा ही होगा, जिसके अंदर होंगे 4 रेस्टोरेंट्स, 1 स्विमिंग पूल, 2 बार्बर शॉप्स, 2 लाइब्रेरीज, 3 गैलरीज, जिमनेशियम, टर्किश बाथ, स्क्वैश कोर्ट, एलिवेटर्स और स्पाइरल स्टेयरकेसेस। लेकिन ऐसा नहीं है कि सारी बिल्कुल हूबहू ही होगी, क्योंकि न्यू टाइटैनिक 2.0 में अब एक थिएटर और कैसीनो भी शामिल होगा, जो कि लोगों के मनोरंजन को ध्यान में रखकर बनाया जा रहा है। कि दोनों चीजें पुराने टाइटैनिक में नहीं थी, क्योंकि उस समय थिएटर के मामले में हम उतना तकनीकी रूप से आगे नहीं थे, और टाइटैनिक एक ब्रिटिश आदमी से बनाई गई थी, और कैसीनोज हमेशा से अमेरिकन कल्चर का हिस्सा रहा है, इसीलिए उस दौरान टाइटैनिक पे कैसीनो नहीं थी। लेकिन इन दोनों के साथ ही नए और पुराने टाइटैनिक का वजन भी थोड़ा डिफरेंट होगा। नया टाइटैनिक पुराने वाले से करीबन 10,000 टन ज्यादा भारी होगा। और फ्यूल की बात करें तो पहले वाला टाइटैनिक कोयले पर चलता था, पर वहीं नया मॉडर्न टाइटैनिक डीजल और इलेक्ट्रिसिटी पर चलेगी। मगर सवाल तो अब ये है कि ज्यादा कोई फर्क ना होने के बावजूद भी दोनों के कॉस्ट में आखिर इतना जमीन आसमान का फर्क क्यों है? वेल, इकोनॉमिस्ट के हिसाब से उस वक्त के $7.5 मिलियन आज के तारीख में $500 मिलियन जितने ही होंगे। यानी इन अ वे कॉस्टिंग में ज्यादा अंतर नहीं है, बस दुनिया आगे बढ़ गई है, इन्फ्लेशन बढ़ गया है और महंगाई भी बढ़ गई है। लेकिन एक मिनट, अगर दोनों भी टाइटैनिक में सब कुछ लगभग सेम टू सेम है, तो क्या चांसेस है कि नए टाइटैनिक और पुराने टाइटैनिक का अंत भी सेम ही तरीके से होगा? क्या इस बार टाइटैनिक को बनाने वालों ने सेफ्टी पर ज्यादा ध्यान दिया है? वेल, अब मैं, आप और हम सभी जानते हैं कि टाइटैनिक ने एक आइसबर्ग से टक्कर खाई थी, और उसके बाद पूरी की पूरी नाव ठंडे बर्फीले पानी में डूब गई थी, और उस वक्त इस हादसे के जिम्मेदार थे नाव पे काम करने वाले क्रू मेंबर्स, जो मीलों दूर से आइसबर्ग को डिटेक्ट नहीं कर पाए थे। इस हादसे को ध्यान में रखते हुए नए टाइटैनिक के मेकर्स ने इसमें कई सारे नए फीचर्स भर दिए, जिसके कारण अब क्रू और कैप्टन के पास कम्युनिकेशन सिस्टम्स, नेविगेशन, रेडार टेक्नोलॉजी और सेफ्टी रेगुलेशंस और ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम यानी कि GPS रहेगा, जो कि सहायता करेगा आइसबर्ग से बचने में। और इसके साथ ही नए टाइटैनिक में पूरे 18 मोटर ड्रिवन लाइफ बोट्स होंगे, जिसकी क्षमता 4,500 लोगों जितनी होगी। यानी नाव पे सवार हर इंसान को बचाने के लिए इन लाइफ बोट्स में काफी जगहें होंगी। पर जो पुरानी टाइटैनिक थी उसमें 20 लाइफ बोट्स थी, लेकिन उनकी कैपेसिटी मात्र 1178 लोगों की थी, जिसके कारण उस वक्त नाव पे सवार 2/3 लोग बेमौत मारे गए थे। और एक एडिशनल चीज जो नए टाइटैनिक में सेफ्टी के खातिर डाली गई है, वो है एक सेफ्टी डेस्क, जिसमें लाइफ बोट्स तो होंगे ही, लेकिन साथ ही एक मेडिकल सेंटर भी होगा, ताकि अगर ऑन शिप किसी को किसी भी तरह की मेडिकल इमरजेंसी आती है तो उसे तभी ट्रीट किया जाएगा। मगर ये तो बात हुई टाइटैनिक के पहले डुप्लीकेट के बारे में, लेकिन अब मैं आपको बताऊंगा टाइटैनिक के सस्ते कॉपी के बारे में, जिसे बनाया नन अदर देन हमारे पड़ोसी देश चाइना ने। अब आप तो ये जानते ही हो कि हमारे पड़ोसी की तो आदत है हर चीज का खुद का वर्जन उर्फ कॉपी वर्जन बनाना, तो इन्होंने टाइटैनिक का भी एक सस्ता कॉपी बना डाला। पर बात तो कुछ ऐसी है ना कि इन्होंने टाइटैनिक कॉपी करके सिर्फ नाव ही नहीं, बल्कि एक पूरा का पूरा थीम पार्क ही बना डाला, जो स्थित है चाइना के सिचुआन क्षेत्र के डेंग काउंटी इलाके में। और यहाँ जो कॉपीकैट टाइटैनिक है उसे किजांग नदी में सवारी के लिए भेजा जाएगा। अब जो कि ये टाइटैनिक किजांग नदी में है, तो इसके डूबने के चांसेस भी बहुत कम है, जिसके कारण वहाँ के लोग इस पार्क को अनसिंकेबल टाइटैनिक कहते हैं। वैसे तो अभी भी इनका टाइटैनिक बन रहा है, लेकिन वो सेम साइज का बिल्कुल ओरिजिनल टाइटैनिक की ही तरह होगा, 882 फीट लंबा और 92 फीट चौड़ा। इस अंडर कंस्ट्रक्शन टाइटैनिक में बैंक्वेट हॉल्स, थिएटर्स, ऑब्जर्वेशन डेक्स और एक स्विमिंग पूल भी होगा।
और ये सब का लुफ्त उठाने के लिए आपको सिर्फ 2000 युआन यानी कि इंडियन करेंसी में लगभग 23,563 रुपीस देना पड़ेगा, वो भी टाइटैनिक के 5-स्टार होटल में एक रात गुजारने के लिए। नॉट दैट बैड राइट। अब ये सब कुछ सुनकर मुझे पता है कि आप इस नए टाइटैनिक पे सवार होके जैक और रोज वाला पोज मारने के लिए काफी उतावले हो रहे होंगे, तो जानना चाहोगे कि ये दोनों नाव अपनी सवारी कब भरेगी। वेल, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था, ब्लू स्टार लाइन ने पहले 2016 में लॉन्च अनाउंस किया था, जो पोस्टपोन होके 2018 हो गया। लेकिन 2018 में इसका लॉन्च नहीं हुआ, जिसके बाद लोग बोले कि 2022 में टाइटैनिक 2.0 दुनिया के सामने आएगा। लेकिन शायद ऐसा होना संभव नहीं, क्योंकि 2018 से लेकर अब तक ब्लू स्टार लाइन के वेबसाइट पे इस बारे में कोई भी अपडेट नहीं आया। पर अगर ब्लू स्टार लाइन चाहे तो भी वो अपने इस सपने को हकीकत में तब्दील होते नहीं देख पाएंगे, क्योंकि ऐसा लोग होने नहीं देंगे। दरअसल चार्ल्स हास, जो कि एक यूएस बेस्ड टाइटैनिक इंटरनेशनल सोसाइटी के प्रेसिडेंट है, उन्होंने क्लाइव पामर के टाइटैनिक 2.0 पर सवाल करते हुए ये कहा कि ये संवेदनाशील और विचारशील बात है कि किसी हादसे में खोए हुए लोगों को सिर्फ याद दिलाने के लिए सिर्फ याद किया जाता है, ना कि हम उन हादसों की बुरी यादों को रिक्रिएट करते हैं। मगर बात यहीं तक नहीं रुकी, क्योंकि कुछ लोगों ने क्लाइव पामर को संघ की अरबपति भी घोषित कर दिया, क्योंकि टाइटैनिक के हादसे को नजरअंदाज करते हुए पामर कहते हैं कि टाइटैनिक तो प्यार और मोहब्बत का प्रतीक है, जिस वजह से कई लोगों ने कहा कि उस हादसे में मरने वालों का मजाक बनाया जा रहा है, जिसके बाद से अब तक पामर की टाइटैनिक का कोई ठिकाना नहीं है। लेकिन उसे लोग अभी से क्रिटिसाइज करने लगे हैं, पर इस क्रिटिसिज्म के पीछे शायद सबका डर है कि कहीं इतिहास फिर एक बार अतीत में ना तब्दील हो जाए। लेकिन इनमें से कई लोगों को ये नहीं पता है कि इस इतिहास को बदला गया है, और टाइटैनिक के अंत का कारण कोई आइसबर्ग नहीं बल्कि एक भयंकर विस्फोट था। ब्राइट साइड की एक रिपोर्ट में वैगिनैक ब्यूराट नाम के एक शख्स के बारे में बताया गया है, जो कि खुद टाइटैनिक के हादसे में मौजूद थे, और वो खुशकिस्मत थे कि वो इतने बड़े हादसे से बच गए थे। लेकिन वैगिनैक ब्यूराट के हिसाब से टाइटैनिक के डूबने के पीछे का रीजन एक्सप्लोजन था, ना कि कोई आइसबर्ग। अब शायद ब्यूराट की इस बात को लोग नजरअंदाज कर दे, लेकिन इस हादसे में बचे और भी कई लोगों ने यही बात की है कि उस रात जहाज पर 2 से 4 विस्फोट हुए थे, जो कि जहाज का काल बन गए, जिनमें से एक थे मेजर आर्थर जी प्यूचेन। वो टाइटैनिक के फर्स्ट क्लास के यात्री थे, और उनका कहना था कि 15 अप्रैल की रात को उन्होंने एक विस्फोट सुना था, जिसके बाद जहाज डूबा। और जॉर्ज फ्रेडरिक क्रो, जो कि टाइटैनिक में लाइफबोट डिपार्टमेंट के मैनेजर थे, उन्होंने भी अपने इंटरव्यू में यही सेम चीज दोहराई थी कि उस रात एक भयानक सा विस्फोट हुआ था और टाइटैनिक 2 हिस्सों में बट गया। मगर टाइटैनिक के डूबने के पीछे जर्नलिस्ट सेनन मोलोनी ने 30 साल तक शोध किया, और आखिर में उन्होंने अपने 30 साल की शोध का निष्कर्ष ये बताया कि टाइटैनिक के डूबने के पीछे का रीजन आग, बर्फ और आपराधिक लापरवाही तीनों थी। अब आप बताइए भाई लोग, आपको क्या लगता है कि क्या होगी असली वजह, और क्या आप भी टाइटैनिक 2.0 में सवार होना चाहोगे? मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताना। और अगर इस वीडियो से कुछ भी नया सीखने मिला तो एक लाइक जरूर ठोकना, गेट्स अ फ्लाई फैक्ट चैनल को भी सब्सक्राइब करो और बेल नोटिफिकेशन दबा दो, ताकि आगे आने वाली हमारी कोई भी वीडियो की अपडेट आप मिस ना कर सको। With that said, as always, stay curious, keep learning and keep growing. Jai Hind!